जी स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में जो हमारा चौथा लॉ है, दैट इज़ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको रिचर्ड नाम के साइंटिस्ट ने 1792 से 94 के दरमियान में प्रपोज किया था। इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कम्बाइन विद द फिक्स मास ऑफ द एलिमेंट थर्ड एलिमेंट, द प्रोपोर्शंस इन विच दे कम्बाइन विद वन अनदर शैल ईदर इन द सेम रेशो और सम मल्टीपल रेशो। ठीक है जी, तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ ऐसी है कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग कंबाइन होते हैं किसी तीसरे एलिमेंट के, जिसका मास क्या होता है, फिक्स मास होता है, तो वो जो दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं उनका जो कंबाइनिंग रेशो होता है, या तो वो सेम रेशो के साथ कंबाइन होते हैं या फिर उसकी के मल्टीपल रेशो के साथ कंबाइन होते हैं। स्टेटमेंट से आपको जो है वो ये बात समझ नहीं आ रही होगी, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। एग्जाम्पल में आप देखें, तीन एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो CH4 यानी कि मीथेन बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो H2O, और कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो CO2। अब इनके जो एटॉमिक मास देख लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12 रेशो, और हाइड्रोजन इसके साथ कितने अटैच है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 आ गया। ठीक है जी, और इसको जो है वो सिंपल कर लेते हैं मज़ीद, 4 1 4, 4 3 12। इसी तरह वाटर की बात करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो 2, और ऑक्सीजन 1 है 16, 2 1 2, 2 8 16। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन 2 है तो उसका जो है वो 32 हो गया, और इसको जो है वो सिंपल कर लेते हैं, 4 3 12 और 4 8 32, ठीक हो गया। तो आप देखें कि यहाँ पर जो एलिमेंट है एक का मास फिक्स होगा हमेशा, जैसे कि कार्बन है, कार्बन का यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 8 है, यहाँ पर भी 8 है। तो कंबाइनिंग रेशो जो है वो फिक्स्ड होता है, यही आपको जो है वो स्टेटमेंट में बात कही जा रही है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये आपका चौथा लॉ था। ठीक है जी।